गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. इन चैप्टर नंबर 1 जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके बेटा हमने कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के स्टेप्स पढ़े थे, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया बेटा, सोइंग ऑफ सीड हो गया, गिविंग द वाटर टू द क्रॉप्स, एंड देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ठीक है, जो एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डिस्कस किया था बेटा, उस टॉपिक को थोड़ा सा एलाबोरेट करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे आज. ठीक है, तो बेटा मैन्योर और फर्टिलाइजर में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काउ डंग. जो भी बेटा हमारा काउ या बफेलो से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है बेटा, उसकी बॉडी से जो वेस्ट निकालती है उसको हम बेटा थोड़ा ड्राई करके, ठीक है, कुछ टाइम के बाद सॉइल में रिड्यूस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मैन्योर. लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है बेटा हमारे, वो डिफरेंट है. वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस देखा होगा आपने, थैली में आता है बेटा, वो पैकेज में आता है फर्टिलाइजर हमारा, वो फैक्ट्री से बनता है. ठीक है, वो किस लिए बेटा, क्योंकि जो मैन्योर है हमारा, मैन्योर में सब कुछ होगा, मैन्योर है एवरीथिंग, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में है मैन्योर में कुछ. लेकिन हमें बेटा क्या है, प्लांट्स को तीन चीजें चाहिए होती है हाई अमाउंट में, वो क्या है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम. यानी कि ये तीन चीजें चाहिए बेटा हाई अमाउंट में इसको प्लांट्स को. तो ये तीन चीजें बेटा हाई अमाउंट में प्लांट्स को मैन्योर से नहीं मिलेंगी. तो कहां से मिलेंगी ये तीन चीजें प्लांट्स को हाई अमाउंट में मिलेंगी, ये कहां से, एनिमल्स. ठीक है, यानी कि ये तीन चीजें बेटा आपको एनिमल्स से नहीं मिलेंगी प्लांट को, ये तीन चीजें कहां से मिलेंगी बेटा, मैन मेड मिलेंगी फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्रीज में ये तीनों चीजें आपकी बनाई जाएंगी. ठीक है, यानी ये एक सब्सटेंस केमिकल बनाया जाएगा जो क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम तीनों में क्या हो, रिच हो. रिच का मीनिंग क्या, हाई क्वांटिटी. उसी को मैंने फर्टिलाइजर बोल दिया. ठीक है, क्योंकि बेटा एक पैकेट में आएगा, थैली में आएगा बेटा हमारा ये एनपीके रिच नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम वाला सब्सटेंस. ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरह का सॉल्ट होगा, इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, बनाया जाता है. और एक बात आई मुझे बेटा कि जो फर्टिलाइजर है हमारा, इट इज अ सोर्स ऑफ अ वाटर पॉल्यूशन. यानी कि बेटा जैसे ही फर्टिलाइजर बन जाएगा, इट कॉजेज द वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर को क्या करता है हमारा, पोल्यूट करता है, गंदा करता है. ठीक है, उसके बेटा हमारी बात आ रही है कि मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ डंग. यानी कि मैन्योर जो है बेटा हमारा नेचुरल सब्सटेंस है, काउ डंग से ऑब्टेन होता है. ठीक है, इसके बाद बेटा मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट. ठीक है, जो भी हमारा प्लांट और एनिमल का वेस्ट होगा बेटा, ठीक है, मैन्योर हमारा उससे प्रिपेयर होता है, किसमें, इससे एनिमल और प्लांट के वेस्ट. इसके बाद अगर मैन्योर हमारा नॉन पोल्यूटिंग एंड मेंटेन द इकोसिस्टम, यानी कि मैन्योर जो है हमारा पोल्यूट नहीं करता इसको एनवायरमेंट को. ठीक है, एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा. ठीक है, और इट इज नॉन पोल्यूटिंग एंड मेंटेन द इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम को वो मेंटेन रखेगा हमारा, कौन, मैन्योर. ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंस भी होगा यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजर और मैन्योर में हमारा. यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड द मैन्योर ओवर हियर. ठीक है, यानी कि डिफरेंस हो गया हमारा फर्टिलाइजर और मैन्योर में, आपको याद भी करना है. और इसके बाद बेटा आपको उसमें एक टॉपिक मिलेगा कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स. ठीक है, उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए दोनों के दोनों. ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या है ओवर फर्टिलाइजर्स. देखो बेटा मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक है, फैक्ट्री प्रोड्यूस नहीं करने पड़ते, वाटर पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो क्या है, वो अच्छे हैं. दूसरा क्या है बेटा, हमें ज्यादा को कॉस्टिंग अप्लाई नहीं करनी पड़ी मैन्योर प्रोड्यूस करने के लिए, सिंपली हमें बेटा प्लांट रहने का वेस्ट को ही हमने क्या है यूज कर लिया, प्लांट्स में डालने के लिए, क्रॉप फील्ड्स में डालने के लिए उसको हमने मैन्योर बोल दिया. तो ये सब था बेटा आपका एक डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. तो दूसरा मैंने डिस्कस किया एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स. इसके अगर एक टॉपिक आता है आपका नेक्स्ट कॉल्ड एज इरिगेशन. इरिगेशन बेटा हमने बताया था आपको उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन. ठीक है, इस इरिगेशन में बेटा दो मेथड आपको करने ही है, क्या है मेथड है इरिगेशन के. ठीक है, देखो सप्लाई वाटर करने के क्या है, अलग अलग तरीके होते हैं देने के पानी के. ठीक है, फील्ड से बेटा पानी देने के अलग अलग तरीके हैं, मान लो अपना टैप छोटे टैप से पानी जा लगा था, अपना ट्यूबवेल लगवा दिया. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बेटा बुक में दो मेथड है जो आपको पढ़ने हैं इरिगेशन के, वो कौन कौन से हैं. एक तरह का स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या बताया गया बेटा आपका, कि बीच में बेटा ये क्या है फाउंटेन टाइप लगा देंगे हम लोग. ठीक है, बीच में फाउंटेन टाइप लगा देंगे बेटा. ठीक है, जो क्या करेगा आपका बेटा, वो ऐसे ऐसे घूमेगा. ठीक है, तो फाउंटेन टाइप जो ऐसे घूमेगा बेटा, वो क्या करेगा, दूर दूर तक फील्ड्स में बेटा आपके पानी को स्प्रे करेगा.
इट विल स्प्रिंकल आउट द वॉटर इन द होल फील्ड थ्रू अ डिस्टेंस. ठीक है, सेंटर में बेटा एक फुआरे की तरह फुआरा घूमेगा बेटा. ठीक है, जो आपके पार्क को क्या है दूर दूर तक स्प्रिंकल करेगा फील्ड में. इससे क्या है बेटा, हमारा कम अमाउंट में वॉटर क्या है हर जगह पहुंच पाएगा. एक क्या है आप लार्ज अमाउंट में बेटा एक ही प्लेस से वाटर दे रहे हो, एक क्या है आप थोड़ा थोड़ा वाटर पूरी फील्ड को दे रहे हो. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्प्रिंकल सिस्टम इन विच द वॉटर गेट स्प्रेड ओवर टू ऑल द फील्ड. सारी फील्ड में क्या है हमारा वॉटर स्प्रेड आउट हो जाता है स्प्रिंकल. इसके बाद बेटा स्प्रिंकल सिस्टम के बाद आता है ड्रिप इरीगेशन मेथड. ड्रिप इरीगेशन मेथड से क्या समझते हैं बेटा, हम ड्रिप इरीगेशन मेथड से हम ये समझते हैं, देखो क्या होगा ड्रिप इरीगेशन मेथड से कि बेटा एक सिंपली पाइप से क्या है वाटर हमारा फील्ड में फ्लो होगा और ये पाइप क्या होगा सॉइल के नीचे होगा अंडरग्राउंड होगा. दिस पाइप विल बी अंडरग्राउंड ऑफ द सॉइल. ठीक है, अंडरग्राउंड होगा सॉइल से हमारे पाइप. ठीक है, और ये पाइप से क्या है बेटा फील्ड से वाटर जाएगा. एक चीज होगी बेटा यहाँ पे खास जो जानने वाली है, इस पाइप में क्या होगा स्मॉल स्मॉल होल्स होंगे बेटा. ठीक है, तो जब हाई प्रेशर से बेटा वाटर जाएगा इस पाइप के थ्रू तो इन स्मॉल स्मॉल होल से बाहर आएगा. तो जब इन स्मॉल होल से बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा सॉइल में जाएगा, सॉइल में वाटर जाएगा, सॉइल से फिर नेक्स्ट सॉइल में जाएगा. ऐसे ही बेटा क्या है इन स्मॉल स्मॉल होल से जो वाटर है हमारा इसमें आएगा सॉइल में आएगा. तो धीरे धीरे क्या करेगा पूरी बड़ी फील्ड को बेटा इरीगेट कर देगा, वाटर की सप्लाई कर देगा स्मॉल स्मॉल होल से. ठीक है, तो ये जो है बेटा सबसे अच्छा और एडवांस मेथड है आज का हमारा ड्रिप इरीगेशन मेथड. एक लंबे लंबे पाइप हम क्या है सॉइल में छोड़ देते हैं और उस पाइप में क्या है स्मॉल स्मॉल होल्स हैं जिससे क्या है वॉटर क्या है बाहर आता है. ठीक है, तो बेटा ये दो मेथड्स हैं इरीगेशन के, एक तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन आपको पढ़ने का अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया बेटा टॉपिक कौन सा मैन्योर फर्टिलाइजर का और एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर का, और उससे पहले लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में दो टॉपिक मैंने सब टॉपिक उठाए, एक तो क्या मैनुअल फर्टिलाइजर वाला और दूसरा इरिगेशन वाला. सो दिस वन इज फॉर टुडेज वीडियो बेटा, यू हैव टू स्टडी ऑल दिस. थैंक यू वेरी मच.